चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। वन इंडिया हिंदी लगातार बिहार के जनप्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचा रहा है। वहीं बात करें भोजपुर की तो यहां भी राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में वन इंडिया हिंदी की भोजपुर संवाददाता नेहा गुप्ता ने बडेरा विधानसभा क्षेत्र की महागठबंधन प्रत्याशी सरोज यादव से चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। बरहारा में राजनीति तेज हो गई है, जहां एक ओर लगातार कई दिग्गज मैदान में हैं। अब देखने वाली बात होगी किसकी जीत होती है। आइए, हमारे साथ है बरहारा के विधायक सरोज यादव। सरोज यादव जी, क्या लगता है आज का अंतिम चुनाव प्रचार हुई है, क्या लगता है जीत कैसी है? हम जीत चुके हैं और 1-2 हज़ार से नहीं जीत रहे हैं। इस बार बढ़ारा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। इस बार 50,000 से हमारे क्षेत्र में जीत होगी और आप लोग देखिएगा 10-8 तारीख को ही सारा बात सामने आ जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई और कितनी दम है। ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। और बिहार में 10 तारीख को, ऐसे तो दिवाली 14 तारीख को है, लेकिन बिहार, पूरे बिहार में 10 तारीख को दिवाली मनाया जाएगा और पूरे बिहार लालटेन से जगमग होगा। सरकार तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं 10 लाख की नौकरी की, क्या लगता है? एक बात देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं खाटी बिहारी हैं, कोई गुजराती नहीं है कि जो मन किया बोल दिया बाद में कह दिया जुमला है। हमारे नेता ने तो स्पष्ट कहे हैं, बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में और हमारी सरकार आती है तो मैं मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद जो कैबिनेट का पहला बैठक होगा, एज अ मुख्यमंत्री का पहला साइन अगर कोई फाइल पे होगा तो वो होगा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का। और वही नहीं, 10 लाख युवा को रोजगार के बाद लोगों का जो फॉर्म में पैसा लगता है, गरीब परिवार के लोग फॉर्म में पैसा नहीं रहने के कारण अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो फॉर्म का पैसा फ्री है, आने जाने का भाड़ा फ्री है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा सभी नियोजित शिक्षक भाइयों के लिए कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन भी हमारी सरकार देगी। दूसरी बात कि जो 400 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, उसको बढ़ा के 1,000 कर दिया जाएगा। तो ये लड़ाई गरीब लड़ रहे हैं, किसान के साथ जो जिस तरह का बिल ला करके केंद्र की सरकार दोगला नीति अपनाने का काम की और अंडानी और अंबानी को जो झोली भरने का काम कर रही है, इस बार बिहार की जनता इस बार सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये बताने का काम करेगा कि बिहार की धरती एक दिशा देता है, एक राजनीतिक समीकरण बनाता है और यहीं से गांधी जी अंग्रेज को खेदने के लिए एक आंदोलन छेड़े थे, चंपारण आंदोलन। और यही आंदोलन से इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यहीं इसी आंदोलन के थ्रू आगाज होगा और ये आने वाला जो 24 का चुनाव होगा उनका सफाया होगा। जी, लगता है 7 विधानसभा है पोस्टपोन, क्या लगता है कितना सीट? हम लोग सातों के सातों चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मुकाबला, देखिए जितने भी गरीब पार्टियां हैं, भाकपा माले हो गए, CPIM, CPM और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सब गरीब गुरबा के हक में लड़ने वाली पार्टी है और सब संगठित हो गई है। और जब गरीब की पार्टी संगठन बनाकर चुनावी मैदान में है तो अब बताइए, अब तो सारा गरीब गुलबंद है, किसी में ताकत नहीं है कि सातों सीट को हरा सकता है। बीजेपी कह रही है कि 10 लाख जुमला है, तो आपको कैसे लगता? माना मैं कि 10 लाख जुमला था तो आप कैसे 19 लाख का घोषणा कर दिए? आप तो पहले कहते थे कि जुमला है, फिर आप कहते थे कि चले जाइए जेल से आएगा कि कहाँ से आएगा, तो आप कहाँ से 19 लाख देने की बात कर दिए? अब बिहार की जनता ये गुजरातियों से ठगाने वाली नहीं है और खाटी बिहारी है तेजस्वी प्रसाद यादव, और बिहार के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये गुजरात के लोगों का काम है। टक्कर किसी से है ये नहीं है, पूरे बिहार में देखिए ना। मैं बताना चाहता हूँ मैम आपको कि ये लोग पूरे केंद्र के लोग गिद्ध की तरह हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं पूरा बिहार में, लेकिन लालू के एक ही शेर हैं जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, सब पे भारी पड़ रहे हैं। ये लोग पसीना छोड़ रहे हैं, इन लोगों का हालत खराब हो गया है, जहाँ जा रहे हैं जनता नकार रही है, मुर्दाबाद की नारा लगा रही है। और जो नित्यानंद राय हैं, आपको मैं बता दूं कि इसी बड़ारा के धरती पे रक्षा मंत्री आए थे राजनाथ सिंह, वो बताने का काम किए कि 5 साल के लिए बड़ारा गिरवी हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ारा गिरवी नहीं था, बड़ारा के लोग 2015 के चुनाव में जो हम लोग बैलोफा पे, गांव में कहा जाता है बैलोफा पे खेत, किसी को पैसा के अभाव में रेहन रख दिया गया था, बड़हारा की जनता ने इस रेहन को छुड़ाने का काम की। और राजनाथ सिंह को मैं बताना चाहता हूँ कि बड़हारा किसी की बपौती नहीं है, बड़हारा किसी की बपौती नहीं है, बड़हारा गरीबों का गढ़ है और गरीब अपना ही झंडा बुलंद करेगा।
वहीं बरेहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। वहीं भाजपा से टिकट न मिलने से आशा देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। पप्पू यादव की पार्टी सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में रघुपति यादव को टिकट मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान में किसको अपना नेता मानती है और कौन होता है यहाँ का विधायक, ये तो समय बताएगा।